हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बेवाल क्लासेज में और मेरा नाम है अर्जुन सिंह राठौर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू क्रैक एसबीआई पीओ एंड कलर 2019। ओके गाइस, इसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के अंदर आप कट ऑफ से डबल और ट्रिपल मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं ताकि आपको लास्ट इंटरव्यू तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं एक बार। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज ये है कि इंग्लिश जो है वो क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सके जिससे कि हमारा मार्क अच्छा हो सके। ओके, तो उसके लिए सबसे हम पहले देखते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं हम गाइस इसके अंदर कि सबसे पहले एसबीआई प्योर क्लर्क के लिए जो इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो तीन चीजों के अंदर कवर करना होता है हमारे को। नंबर वन इज ग्रामर, सेकंड इज रीडिंग कॉम्प्रेंशन जिसको आरसी भी बोला जाता है, एंड थर्ड इज लर्निंग जिसको हम साथ ही साथ वॉकैब सेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, देखिए ग्रामर का जो पार्ट है, एक्चुअली ग्रामर के लिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि बैंक में जो ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसमें डायरेक्टली कोई टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं बात करूं एसएससी के अंदर नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी के अंदर कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बैंक में एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टली इनका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि कहीं से मान लीजिए मैं कहता हूं एडजेक्टिव के अंदर से दो या तीन क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, या इसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि टेंस में से पांच क्वेश्चन निकल के आने वाले, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे ग्रामर की, तो ग्रामर से कवर होने वाले जो आपके टॉपिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग वो होता है सबसे पहले तो एरर डिटेक्शन का। ओके, एरर डिटेक्शन जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपके ग्रामर का। क्यों? क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर लिखा हुआ आता है ग्रामेटिकली, एक वर्ड लिखा हुआ जहां भी आ जाए ग्रामेटिकली, दैट्स मीन टोटली डिपेंड्स ऑन ग्रामर। ओके, और ग्रामर में मैं आपको बताता हूं एरर डिटेक्शन के अलावा रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी किस पे डिपेंड करता है, आपके ग्रामर पे। क्लियर है? अब मैं आपसे अगर डायरेक्टली बात करूं तो आपको ग्रामर में कवर करने वाले जो टॉपिक है वो आपको करने हैं, जैसे मैं बात करता हूं सीरियल से, नाउन, नाउन प्लेज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन ग्रामर। ओके, जिस तरीके से नाउन है, नाउन के साथ साथ आपका आर्टिकल कवर होना चाहिए। अब आर्टिकल में मैं आपसे बात करूं तो ये जो आर्टिकल में हम बात करते हैं कुछ चीज यूनिक होने पर, हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं इस तरीके से, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर है? आर्टिकल की मैं जैसे मैं आपसे बात करता हूं तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन होता है उसके बारे में आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल द जो होता है उसमें आपको कुछ ट्विस्ट बेस होता है कि कहां पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, कहां पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, उसके बारे में फोकस करना चाहिए। वर्ड स्पेशल कुछ आर्टिकल होते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तो आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में बात करता हूं आपसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और स्पेशली पीओ के अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि एडवर्ब जो होता है वो डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आप आर्टिकल जो होता है उसमें भी डिग्री बेस्ड मामला होता है, एडजेक्टिव के अंदर भी डिग्री का रोल प्ले होता है बहुत ज्यादा, इसी तरीके से एडवर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है आपके। और बहुत से ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो डायरेक्टली एडवर्ब एडजेक्टिव के अंदर डिग्री से रिलेटेड निकले हुए हैं। ओके, इसके अलावा आपको प्रीपोजिशन में मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन जो होता है वो पोजिशन के अकॉर्डिंग कम पूछा जाता है। ठीक है, और ग्रामेटिकली बेस्ड कुछ रूल्स होते हैं उनपे भी कम पूछा जाता है। बैंक के अंदर जो प्रीपोजिशन आते हैं वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ फिक्स प्रीपोजिशन पे काम करता है, फिलर्स होते हैं उनमें फिक्स प्रीपोजिशन से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एरर स्पॉटिंग के अंदर बहुत से बार फिक्स प्रीपोजिशन का आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं अगर आपको सिंपल सा कहता हूँ ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लग सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लाइंड विद होता है, ब्लाइंड ऑफ होता है, ब्लाइंड टू होता है। क्लियर, उसमें भी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है वो सारा का सारा आपको फिक्स प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो टेंस का भी थोड़ा बहुत पार्ट इसके अंदर होता ही है। क्लियर, कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लियर, इसके अलावा एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं
सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके व्हाट विल बी द नाउन एंड वर्ब अकॉर्डिंग विल बी नाउन क्या नाउन होगा तो कैसी वर्ब लगेगी कैसी नहीं लगेगी ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है क्लियर है गाइस उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्टिसिपल क्लियर कि पार्टिसिपल में भी मैं आपको सिर्फ इतना सा हिंट देना चाहूंगा कि आपको पार्टिसिपल के अंदर बैंक में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परफेक्ट पार्टिसिपल में पूछे जाते हैं क्लियर कि आप एरर रिपोर्टिंग में बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा चाहे स्टेटमेंट वाइज हो क्लियर उसमें ये होता है कि जनरली वर्ड जो होता है वो हैविंग से स्टार्ट होता है हैविंग एक ऐसा वर्ड है जिससे सेंटेंस स्टार्ट होगा दैट्स मीन उसमें टोटली किसका रोल होगा आपके पार्टिसिपल का रोल होगा ओके उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कंजंक्शन गाइस कंजंक्शन पे भी थोड़ा फोकस करिएगा क्यों क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कंजंक्शन जो है आपको अच्छे से पता होगा सिंगल और पेयर कंजंक्शन होते हैं लेकिन बैंक में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिंगल कंजंक्शन क्लियर और सिंगल कंजंक्शन में मैं आपको बता देता हूं इन्होंने एक टॉपिक के अकॉर्डिंग में अगर आपसे बात करना चाहूं तो सेंटेंस कनेक्टर्स जो होते हैं ना वो कनेक्टर जो सिंगल वर्ड आता है वो डायरेक्टली किससे लिंक बनाता है आपके कंजंक्शन से लिंक बनाता है क्लियर तो मेरा कहना यह है कि आप कंजंक्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा एक बार ओके गाइस उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं मॉडल्स मोडल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम बात करें तो बचपन में हमने पढ़े हैं कि जैसे कैन जो होता है कैन एबिलिटी कैपेबिलिटी परमिशन वगैरह इनके लिए यूज लिया जाता है लेकिन बैंक में आपसे इस तरीके से डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपसे डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन दिया फिल इन द ब्लैंक दिया और ब्रैकेट में लिख दिया एबिलिटी बताइए तो एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली कैन पुट कर दो दिस इज नॉट पॉसिबल इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सेंस के अकॉर्डिंग आप मॉडल को समझना स्टार्ट करें कि सेंस कैसा होगा तो क्या होगा जैसे कैन का यूज होता है जनरली बॉडी पावर माइंड पावर एंड मनी पावर तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जो आ रही है वो अल्टीमेटली किससे रिलेटेड आ रही है बॉडी पावर से रिलेटेड आ रही है वर्ब मनी पावर की बात कर रहा है या माइंड पावर की बात कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग आप सेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडल्स जो है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपका एग्जाम क्लियर करने के अंदर ओके और मतलब अल्टीमेटली आपसे एक आध क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा इस तरीके से क्लियर है गाइस तो मैं आपसे बात करता हूं ये यहां पर कुछ टॉपिक लिखे हैं मैंने जो आपके लिए ग्रामर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका डीप नॉलेज नहीं लेकिन आपको इनका एडवांस लेवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे निकलने वाले क्वेश्चन कम से कम आपके 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं वो टोटली डिपेंड किस पे करता है आपके ग्रामर पे कि अगर आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्लियर है गाइस ग्रामर के बाद हम अब फोकस करते हैं आरसी आरसी मींस रीडिंग कॉम्प्रेंशन ठीक है ये आपकी रीडिंग स्किल्स के बारे में इसमें क्वेश्चन निकलते हैं और इसमें देखिए टोटली 3 टॉपिक होते हैं आपके एक होता है पैसेज एक होता है आपके क्लोज टेस्ट एंड लास्ट इज पैरा जंबल जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं ठीक है तो इनके बारे में आपको इतना सा बताना चाहूंगा कि जो आरसी का जो पार्ट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है स्टूडेंट्स उससे कुछ जी भी चुराते हैं और इसमें देखिए सिंपल सा एक फंडा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं वो या तो आरबीएससी बोर्ड का बैठ रहा होगा या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा बैठता है तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सीबीएसई बोर्ड का जो बच्चा होता है उसके लिए आरसी का जो पार्ट है पैसेज क्लोज टेस्ट पैरा जंबल वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है बट आरबीएससी का जो स्टूडेंट होता है उसको आपने जनरली देखा होगा और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आरबीएससी स्टूडेंट सीबीएसई स्टूडेंट वो अच्छे से जानते हैं कि आरबीएससी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ग्रामर हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है तो वो ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं जबकि मैं आपको बताता हूं हमारे को यहां पर हमारी ना तो नॉलेज दिखानी है कुछ नहीं करना हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है उसके बाद आप भूल ही जाओगे कि इंग्लिश होती क्या है एक्चुअल के अंदर कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग क्लियर तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आरसी का जो पार्ट होता है और ये तीनों टॉपिक अगर आपको कवर करने हैं तो उसके लिए सिंपल सा है ये कुछ ना कुछ इश्यूज पे चलते हैं ठीक है चाहे वो इश्यू नेशनल इश्यू हो या वो इश्यू इंटरनेशनल इश्यू हो ओके इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये इकोनॉमिक्स बैक्स भी आ सकते हैं आपके क्लियर कोई होता है वो एनवायरमेंट की बात कर जाता है ठीक है तो मतलब करंटली जो टॉपिक चल रहे हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए और उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब पैसेज है क्लोज टेस्ट है पैरा जंबल है इन सब के लिए आपको एक न्यूज़पेपर रीडिंग की आपकी आदत डालनी होगी और जनरली न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो मोस्टली यही कहते हैं कि द हिंदू स्टार्ट करो ठीक है लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस बच्चे ने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा वो द हिंदू को कहां से स्टार्ट कर देगा वो और द हिंदू स्टार्ट करते ही वो उससे डरने लग जाएगा तो इससे होगा क्या कुछ नहीं होगा तो इसलिए मेरा मानना सिर्फ इतना सा है
कि आप अपनी इनिशियल लेवल जो है, इनिशियल स्टेट है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो द टाइम्स ऑफ इंडिया से। ये एक्चुअली क्या है कि आपकी कॉलोक्विल जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा आपको, और इंटरेस्ट जब बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी हैबिट को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 days आप उस काम को रोजाना एक फिक्स टाइम पर कीजिए, 101% है वो आपकी हैबिट बन जाएगी परमानेंटली। ओके, तो उसके लिए मैं आपको कहता हूँ स्टार्ट, जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है वो डायरेक्टली द हिंदू को कवर कर सकते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स को कवर करना चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा 15 days, और उसके बाद जैसे ही आपकी हैबिट बनती है स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आपको कवर किसको करना होगा, द हिंदू। और द हिंदू में भी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको एक तो एडिटोरियल पेज, एक स्पोर्ट्स पेज, एक बिजनेस पेज और एक इकोनॉमिक्स वाला पेज, क्लियर, उसी को ही आपको कवर करना है। इसके अलावा और पेज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि कहीं पे आप फोटो देख लेते हो और उसको देखकर खुश हो जाओ, बोले मजा आ गया यार, तो इससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ 4 pages आपको कवर करने हैं, और 101% होता है। बहुत से बार मैंने देखा भी है एग्जाम के अंदर डायरेक्टली एडिटोरियल के अंदर से पैसेज उठता है और एग्जाम में सीधा का सीधा दिखता है आपको, क्लियर है। तो आप इसको कवर करने की आदत डालिए, अभी एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत जितना भी टाइम है आपका 1.5 months, तो उसके अंदर आप इसको कवर कर सकते हो अच्छे खासे तरीके से, क्लियर। अब मैं आपको पैसेज का भी बता देता हूं कि देखिए पैसेज जो होगा वो आपके 10 to 15 questions आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लर्क में देखने को मिल सकता है आपको, जनरली 5 to 10 questions आपको देखने को मिलेंगे। और पीओ में, एसबीआई पीओ में आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको इकोनॉमिक्स बेस, ठीक है, या कोई इंटरनेशनल इश्यू है उस पर आपको देखने को मिलेगा। क्लर्क के अंदर नेशनल इश्यू या कोई छोटे मोटे टॉपिक होते हैं उन पर फिर भी बात कर ली जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लोज टेस्ट। देखिए आजकल क्लोज टेस्ट के टोटली 3 patterns आ चुके हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक तो फिल इन द ब्लैंक्स का होता ही है, एक वर्ड रिप्लेसमेंट के तौर पर भी आने लग गया है, क्लियर, और एक होता है ऑप्शन के अंदर ही आपको इधर और ऑप्शन भी दिख जाएंगे, तो उसमें कुछ नहीं है, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट सिंपल सा ये है कि उसमें एक वोकैब का जो लेवल होगा वो हाई होगा, एक उसके कंपैरिजन के अंदर थोड़ा लो होगा, तो क्लोज टेस्ट आप कवर कर सकते हैं, क्लियर। पैरा जंबल की मैं आपसे बात करता हूं, तो पैरा जंबल के टोटली 5 to 6 new patterns चल रहे हैं, ठीक है। पैरा जंबल में कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ग्रामर का अगर नाउन प्रोनाउन वगैरह इनका नॉलेज है तो आप स्टार्टिंग एंड लास्ट कंडीशंस आप उसमें ढूंढ सकते हैं। और देखिए सिंपल सा ये आरसी जब भी आप करने बैठ रहे तो देखिए कोशिश करिएगा जब आपको पता है कि कट ऑफ कितनी जानी है और प्रीवियसली जितने एग्जाम हुए उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा रही है। और सिंपल सा है आपको इतना सा ध्यान देना है कि कट ऑफ कवर करना है अपने को ओनली, ठीक है, और उसके लिए नेगेटिव अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर मान लीजिए पैसेज से रिलेटेड अगर 10 questions यू हैव 10 questions इन पैसेज, और अगर उसमें से आपको मैं कहता हूं कि 3 to 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए मतलब ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे मैं कहता हूं अगर आप पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो एक बार में आप टाइटल बता सकते हैं अच्छे खासे तरीके से, एलिमिनेशन कर करके भी अगर आपके सामने देखे 50-50% का ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, क्लियर, तो आप टाइटल वाला कर सकते हैं। 2 statement wise 101% स्टेटमेंट वाइज होता है कि आप स्टेटमेंट को डायरेक्टली देखिए, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, ओके, और इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, तो 2 आप वो कर सकते हैं। एक आप वोकेबलरी का, देखिए वोकेबलरी के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने से मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि वोकेबलरी का क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको उस वोकेबलरी का मीन पता है, तो उससे आप डायरेक्टली उसका लिंक बना सकते हो। तो 4 questions ही करिए, लेकिन वो चारों सही होना चाहिए, ठीक है, कहीं आप ऐसा नहीं हो कि 10 के अंदर से आपने 8 questions कर दिए, ठीक है, आपके राइट 3 ही हुआ, बाकी 5 जो है वो गलत हो चुका है, तो अब क्या होगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा। तो इससे बढ़िया कोशिश ये करिए, अपनी आदत बनाइए कि आपको सिर्फ और सिर्फ राइट चॉइस लेनी है, ठीक है, नेगेटिव करने से मार्किंग भी नेगेटिव होगी और वो गलत हो जाएगा आपके, क्लियर है। तो ये बात होती है आपके रीडिंग कॉम्प्रेंशन की, ओके गाइज। देखिए गाइज उसके बाद लर्निंग का जिसका मैं बात करता हूं आपसे, वोकैब पोर्शन है, वोकैब पोर्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं वोकैबुलरी इज इनफाइनाइट, ओके, लेकिन आप क्या कवर करना है आपको, तो मैं आपको बता देता हूं वोकैबुलरी के अंदर अगर सीधी सी बात करें तो आपसे जैसे मैं कहता हूं कि मेरा खुद का एक अनअकैडमी पे आप अर्जुन सिंह राठौर सर्च करेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत से ऐसे वीडियोस दिखेंगे जिसमें मैंने वोकैबुलरी दी है ट्रिक बेस, तो आप वहां से डायरेक्टली कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक आपके क्लोज टेस्ट के अंदर मोस्टली टॉपिक की बात होती है तो एक आपको टॉपिक वाइज वोकैब कवर करना चाहिए, क्लियर। एक आपके वोकैबुलरी का पार्ट होता है जिसको कहा जाता है अल्फाबेटिकली वोकैब, जिसके अंदर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि आजकल देखिए क्वेश्चन के अंदर ग्रामेटिकली भी आ रहा है, कॉन्टेक्चुअली भी आ रहा है, स्पेल चेक भी आ रहा है, और साथ ही साथ पंक्चुएशन का भी आ रहा है कि जो मार्क लगाया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क अपनी पोजीशन पर सही है या गलत है,
कोमा सही है अपनी जगह या नहीं है, इन्वर्टेड कोमा सही है, अपोस्ट्रोफी सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप इससे भी कवर कर सकते हो। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली आपको होमोनिम्स देखने को मिल रहे हैं, बस होमोनिम्स का लेवल जो है वो थोड़ा हाई है, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे वोकैबुलरी के अंदर, आपको आई थिंक होमोग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। इन सबसे अगर थोड़ा सा हट जाए तो क्वेश्चन के अंदर आने वाली जो चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपको कवर करना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, क्योंकि लास्ट एसबीआई पीओ के अंदर डायरेक्टली 5 इडियम्स पूछी गई थी, ठीक है। इसके अलावा प्रोवर्ब्स आती नहीं है, लेकिन बाय चांस आपको अच्छे से पता है कि प्रोवर्ब्स सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल के अंदर होती है, तो आपको ये भी कवर करना होगा, ठीक है गाइस। तो ये तो थी अपने सिलेबस की बात। अब मैं आपको बता देता हूं मार्क्स के बारे में। तो प्री में आपके टोटली 30 मार्क्स का होगा, मेंस में भी आपके 30 मार्क्स का होगा, ठीक है, और आपके डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, क्लियर है। टाइम आपको उसके लिए 30 मिनट्स का मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।